आज बेलगाम के लिंगराज कॉलेज में हिजाब को लेकर एक बार फिर तनाज़ा शुरू हुआ। तकरीबन 30 मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनकर इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर तालिबात ने कोर्ट के ऑर्डर की दलील पेश करते हुए हिजाब न उतारने की जिद की है। ये सभी डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। वाजा रहे कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक डिग्री कॉलेज पर हिजाब पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ पीयू बोर्ड CDC वाले कॉलेजेस पर लाहक होता है। लिंगराज कॉलेज डिग्री की इन तालिबात ने बताया कि कॉलेज का कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है, इसके बावजूद कॉलेज ने इन्हें हिजाब के साथ इम्तिहानात देने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से कॉलेज प्रिंसिपल और तालिबात के बीच बहस छिड़ी। उसके बाद सारे 30 स्टूडेंट्स DC ऑफिस से रवाना हुई। कॉलेज से पैदल DC ऑफिस पहुंची ये बच्चियां। DC ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाते हुए अपने गम और गुस्से का मुजाहिरा किया। ये हमारा राइट है, हमारा राइट है, हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब हिजाब के जरिए से एजुकेशन मिल चाहिए, अगर ये करना है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वेयर इज इक्वालिटी, वेयर इज डेमोक्रेटिक, दिस इज डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड इंडिया में अलाउड क्यों नहीं था? अब हमको क्यों बोल रहे कि हिजाब अलाउड नहीं है? एडमिशन के वक्त क्यों नहीं बोला हिजाब अलाउड है, तभी हम जाके कॉलेज को एडमिशन कराए? इतने सालों से एग्जाम बैठ रहे, फाइनल्स तक बैठे, तब कुछ नहीं बोला, अभी क्यों रूल्स निकल रहा है कि हिजाब नहीं पहनना है? दिस इज आवर राइट, अगर डिसेंट कपड़ों में आना है दिस इज मोर देन डिसेंट, हम कोई बॉडी पार्ट नहीं दिखा रहे, हम हिजाब पहन के आएंगे, हम एग्जाम को भी ऐसे ही बैठेंगे और कॉलेज को भी ऐसे ही आएंगे, दिस इज आवर राइट, वी आर गोइंग टू। आज क्या प्रॉब्लम हुआ? आज हमको हमारा एग्जाम था, इंटर एग्जाम नहीं, इतने दिन हमको एग्जाम के लिए कॉलेज मत आओ बोले, हंगामा तो हंगामा, आज एग्जाम था, आज कॉलेज आओ बोले, जब हमको मॉर्निंग कल से एडमिशन, हमको कल से मैसेज भेजा था एग्जाम के लिए, तब क्यों नहीं बोला? भुरके में यार कनाडा मैसेज में क्यों नहीं बोला, अभी क्यों बोला? एक मिनट, आपको क्लासरूम में थोड़ा निकाल के बैठ के एग्जाम देने को बोले थे ना? हमको बोले बुर्का निकालो, स्टाफ को निकालो, फिर मैं कनाडा माता डर रहे नहीं, कोई अंदर सरदार जी बैठा है, बहुत सारे सरदार जी हैं हमारे कॉलेज में, लेकिन उनको पिटाना निकालने के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ हमारे साथ बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं नहीं, ये पेटे का मसला नहीं है ना, अभी हिजाब का मसला चला है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन हाईकोर्ट में जो मामला हुआ हिजाब का है, पेटे का नहीं है। रिलीजियस साइन रिलीजियस तो इक्वालिटी नहीं है, हमारा रिलीजन है तो उनका भी रिलीजन है, तो रिलीजियस क्यों बोलना चाह रहा है? आप कैंपस तक हिजाब पहनो, एग्जाम हॉल में निकालो, ऐसा बोले हमको क्या है, हम नहीं दिखाएंगे, बाल हम नहीं दिखाएंगे, आप पहले से पहनते हैं? जब से कॉलेज ज्वाइन किया तब से पहन रहे, तब तक कुछ नहीं बोला। ठीक है, अभी आपको नहीं माने तो नहीं माने, इनके साथ कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने हिजाब वाले फ्रेंड्स का सपोर्ट करने के लिए आई हैं। ಈಗ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಹಿಜಾಬ್ आप बोले नहीं डिग्री कॉलेज के लिए बोला।
डिप्टी कमिश्नर ने इन बच्चियों को कॉलेज जाने की सलाह दी और कहा कि वो कॉलेज इंतजामिया से फ़ोन पर बात करेंगे और आपको इम्तिहान लिखने का मौका दिलवाया जाएगा। सभी बच्चियां डीसी ऑफिस से वापस अपने कॉलेज रवाना हुई। महकमा पुलिस ने ऑटो रिक्शा के जरिए उन्हें कॉलेज पहुंचा दिया। कॉलेज पहुंची बच्चियां काफ़ी देर तक अंदर गईं। गेट के अंदर किसी को इजाज़त नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद बच्चियों ने बाहर आकर ये बताया कि डीसी के ऑर्डर के बावजूद कॉलेज इंतज़ामिया ने उन्हें क्लासरूम में जाने और हिजाब के साथ इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद वालिदैन और दीगर मौजूद अवाम में काफ़ी नाराज़गी देखी गई कि डीसी के ऑर्डर और कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कॉलेज का ये रवैया आखिर क्यों। बच्चियों ने फिर डीसी ऑफिस का रुख किया और दोबारा डीसी ऑफिस कंपाउंड में पहुंचकर धरना देने के लिए बैठ गईं। काफ़ी देर तक कड़ी धूप में बच्चियां इंसाफ का मुतालिबा लिए बैठी रहीं। बच्चियों ने मौके पर मौजूद कुछ जिम्मेदारान और उकला के साथ जाकर डीसी से मुलाकात की तो डीसी ने बताया कि आज वो अपने अपने घर चली जाएं, कल उन्हें इम्तिहानात के लिए इजाज़त दी जाएगी। डीसी साहब के इस बात से बच्चियां खुश तो नहीं थीं, लेकिन कल तक का इंतज़ार करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। हम डीसी के पास गए थे, उन्होंने बोला कि आपको कॉलेज में अलाउ करेंगे, अभी हिजाब और विदाउट हिजाब इस बात पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसलिए हम इसका इशू कुछ भी नहीं निकालेंगे। जैसे नॉर्मली हम यूजुअली जाते थे कॉलेज, वैसे जाएंगे एंड एग्जाम हमारी अटेंड करेंगे। मतलब विदाउट हिजाब? हाँ, हिजाब के साथ ही जाते हैं हम लोग हमेशा। हिजाब के साथ? हाँ, हिजाब के साथ ही जाते हैं। इसके पहले हमको कभी ऐसे बैन नहीं किया थी हिजाब, आज पहली टाइम किया है इन लोगों ने। हम देखेंगे उनका रिएक्शन क्या होता है। तो डीसी के ऑर्डर के बाद कॉलेज वालों ने नहीं लिया? नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे पहले ये बात करते हैं। दिन भर ये सारा मामला चलता रहा। कॉलेज के इस बर्ताव की वजह से बच्चियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यहाँ एक बात समझ से परे है कि आखिर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बच्चियों को परमिशन न देने की वजह क्या है। आखिर ऐसा कौन सा दबाव है कॉलेज इंतजामिया पर।